31 जुलाई की सुबह जयपुर मुंबई एक्सप्रेस महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन के पास थी, तभी B5 कोच के अंदर गोलियों की आवाजें गूंज उठीं। चलती ट्रेन में हुए इस शूटआउट में RPF के एक SI समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मारने वाला एक RPF कांस्टेबल था, जो उसी ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात था। आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह को GRP ने गिरफ्तार कर लिया। गोलीकांड के चश्मदीद ट्रेन में तैनात अटेंडेंट ने उस दिल दहला देने वाले घटना के बारे में ABP लाइव को बताया। उन्होंने जो कुछ ABP लाइव को बताया वो आपके भी रोंगटे खड़ा कर देगी। दरअसल कृष्ण कुमार शुक्ला जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में अटेंडेंट के तौर पर तैनात थे और उनकी ड्यूटी उस दौरान B5 कोच में ही लगी थी। शुक्ला इस मामले में गवाह भी हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने आरोपी जवान चेतन सिंह को राइफल के साथ कोच में खड़ा देखा तो उन्हें एक बार को लगा कि वो अजमल कसाब को देख रहे हैं। चेतन ने उन्हें अजमल कसाब की याद दिला दी, वही अजमल कसाब जो 26/11 में एक लौटा टेररिस्ट जिंदा पकड़ा गया था, जिन्होंने बेकसूर लोगों को गोलियों से छलने कर दिया था। शुक्ला बताते हैं कि उस रात उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो जल्दी सोने चले गए थे। अचानक 5 बजे के करीब तेज आवाजों से उनकी नींद खुली। पहले उन्हें लगा कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये देखने के लिए वो B5 कोच में गए तो वहां जो देखा वो हैरान करने वाला था। चेतन सिंह हाथ में बंदूक लिए खड़ा था, जबकि SI टीकाराम मीणा ट्रेन के फर्श पर गिरे हुए थे। उनके चारों ओर खून फैला हुआ था। कुछ देर बाद चेतन B4 कोच में चला गया। उसके बाद एक यात्री भागते हुए आया, जिसने कृष्ण कुमार शुक्ला को बताया कि RPF जवान ने एक और को गोली मार दी है। इसके बाद चेतन सिंह दोबारा B5 कोच में आया और मीणा की बॉडी के पास कुछ देर तक खड़ा रहा और फिर से वो B4 की तरफ चला गया। घबराए हुए शुक्ला एक तरफ जाकर बैठ गए। वो कैसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उस कोच में हो क्या रहा है। जितनी देर में वो कुछ समझने की कोशिश करते तब तक खबर आई कि चेतन सिंह ने एक एक करके 4 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें अपने सीनियर टीकाराम मीणा के अलावा 3 यात्रियों को उसने B4 से निशाने पर लिया था। B4 कोच में मोहम्मद हुसैन, पेंट्री कार से सैयद सुफल्ला और असगर अब्बास शेख की पेंट्री कार में गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुबह करीब 6 बजे यात्रियों ने ही मीरा रोड स्टेशन के पास चेन खींचकर ट्रेन को रोका। आरोपी ने उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे GRP ने दबोच लिया। ये सब याद करते हुए कृष्ण कुमार शुक्ला बताते हैं कि उन्हें एकदम 26/11 की याद आ गई थी और चेतन सिंह को वो जब जब देख रहे थे तो उनको अजमल कसाब ही याद आ रहा था। जिस तरीके का भाव अजमल कसाब के चेहरे पर था जब उसको पुलिस ने दबोचा था, ठीक वैसा ही भाव चेतन के मुंह पर था।